प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार होके कहाँ जा रही हूँ। मैं बैठी थी बिस्तर में तो मालमोल की आमा ने अचानक से आवाज़ लगाई और कहने लग गई कि भगवती मंदिर चलिए। आमा भी है हमारे साथ यहाँ पर मंदिर जाने के लिए। तो अचानक से प्लान बना मंदिर, मतलब मेरा इन लोगों का तो फिक्स था, मतलब मैं अचानक से जा रही हूँ। अच्छा, अचानक से जब पिंगलना मंदिर राम मंदिर है आई घर। हाँ, मैं इनको मिली हूँ। अच्छा, वो दूर लगा मांग पे तू भावना से आई है वहाँ से। हाँ, तो फिर अचानक से हमारा प्लान बना है जाने का। अभी शायद माता का बुलावा होगा, क्योंकि उनके बुलावा के अलावा कोई तो जा नहीं सकता है। जब उनकी मर्जी के बिना ही पत्ता नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। तो आज चल रहे हैं भगवती मंदिर, आप भी हमारे साथ चलिए मंदिर, आपको भी दिखाएंगे पूरा और कोकिला माता के मंदिर। गाइस, रियू भी घर आई है और रियू भी जा रही है हमारे साथ मंदिर। आप मेरे ब्लॉग देखते हो क्या? कौन सा ब्लॉग देखा आपने? सारे। कैसे लगते हैं? फिर आप अपने ब्लॉग में आप दादी को भी देखते हो? हाँ। अच्छा लगता होगा ना, सबकी याद आती है। मम्मी की याद आ रही है आज? नहीं आ रही है, झूठ। अभी कह रही थी कि नहीं आ रही है। दादी मेरे को अपना हाथ दे दो, बस हो गया। दादी ये रात को अपनी दादी का हाथ पकड़ के दिव्यांशी रह जाती है। देखो मम्मी के बिना नहीं। तो दिव्यांशी आने वाली है, कल आने वाली है। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम कहाँ जा रहे हैं? कौन से मंदिर जा रहे हैं? भगवती मंदिर। भगवती मंदिर दिखाएंगे आज हम सबको, ठीक है? ब्लॉग में हम सबको दिखाएंगे भगवती मंदिर आज, ठीक है? हाँ, इस माता की चुनरिया देख के आप समझ गए होंगे कि हम पहुँच गए मंदिर। तो गाइस, पहुँच गए हम मंदिर माँ कोकिला के दरबार में। आज माँ ने अचानक से बुलाया है, बहुत खुशी हो रही है सच में। हम पहुंच गए मंदिर में और ये आमा भी देखो कितनी खुश हो रही है। रियू भी जरा, तू भी आएगी? भी आएगी इसमें। ये देखो रियू भी कितनी खुश हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना मंदिर में आके, है ना? तो भगवान ने अचानक बुलावा, बहुत अचानक से सच में। आज वही हो गया, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हाँ, बहुत पहले से पानी का घर है और ये इतना सुंदर, यहाँ जो घंटिया लगी है ना वो सच में इतनी सुंदर लग रही है। बहुत ही मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है, क्या बताऊँ। यहाँ भी देखो पानी का धारा है, यहाँ चप्पल पहन के नहीं जाते और हाथ पैर धो के फिर ऊपर को जाते हैं। अभी देखो आमा धो रही है। अब मैं मतलब ये शुद्धिकरण करना जरूरी होता है यहाँ पे, मतलब मुंह नहीं धो रहे तो छिट्टे मारो। इतना सुंदर बना है और ये घंटियां लगा के इतना सुंदर लग रहा है ना, पूरा साइड पे देखो ऐसे करके पूरी घंटियां लगा रखी है, जिससे मतलब और ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तो हम पहुंच गए मंदिर में। ये रियू माता। तो गाइस, शायद यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं जो इतना भजन कर रहे हैं। शायद स्कूल की कोई टीम है लग रहा है ना, स्कूल के बच्चे आए हैं शायद। तो अभी पूरा भजन कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ। और ये यहाँ पर देखो ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और ये रहे माँ कोकिला के दर्शन, जो दूर से नहीं आ पाते हैं वो सब भी दर्शन कर लीजिए। तो गाइस, बहुत अच्छे से माता के दर्शन हो गए, रियू को भी हुए, प्रसाद भी मिला ना। बहुत अच्छे से माता के दर्शन हो गए और माता सब पे कृपा बरसाने वाली है। तो यहाँ आके इतना अच्छा लगता है ना सच में मंदिर आके, और माता की कृपा सभी पर बनी रहती है। अभी हम देखो यहाँ पर है, कैसा लग रहा है रियू? अच्छा लग रहा है ना। हाँ देखो, ये है मंदिर। अभी थोड़ा साइड पे आए थे, यहाँ पे धूप आई है बहुत बढ़िया। तो गाइस, अभी आमा और बड़बाजू यहाँ पर गोदान कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गोदान की प्रक्रिया की जाती है, यहाँ पर होता है गोदान। और सामने पे है माता, नाम क्या है? माची। क्या है?
हिमांशी, शिवांशी। अच्छा शिवांशी, कहाँ आए हो अभी आप? मंदिर के साथ। कौन से मंदिर आए हो? कौन से मंदिर आए हो? कौन से मंदिर आए हो? माता के मंदिर। अरे अरे अरे, गिरा दिया आपने तो। ये प्रसाद मिला है ना? ठीक है हाँ। तो गाइस, मंदिर के पास देखो कितना बड़ा शेषनाग, यहाँ कितना सुंदर बनाया गया है। ऐसा लग रहा है साक्षात शेषनाग। कालीनाग देखे, कालीनाग देखे। असली का लग रहा है। हाँ असली का लग रहा है ना। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना रखा है, इतना बड़ा है यहाँ पे। रियो दे, पैर मत रखना उसमें, ठीक है? देखो कितना अच्छा बनाया है ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे असली का है। ये देखो यहाँ पर हम है अभी। ये देखो यहाँ से ऐसे मुड़ी, ये देखो इसकी पूछ है यहाँ पे, लग रहा है उसी का है, पर इधर पे आधा। यहाँ पे सहरी हूँ घंटी बजाने का प्रयास कर रही है, जो उसे नहीं बजे। ऐसे जंप मत करना, देखो ऐसे, फिर ठीक है ऐसे बजाना है। बजाओ छोटी वाली, बजाओ छोटी वाली। रियू अभी इस घंटी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पकड़, लगा ताकत, गाय की दूध की ताकत दिखा दिखा दिखा। कोशिश नहीं पकड़ी जा रही, नहीं पकड़ी जा रही। तेरे बस में नहीं है पकड़ना, खाली है तू, खाली, तेरे बस में नहीं है ये। आजा चल आजा। तो गाइज अभी हम फिर से परिक्रमा कर रहे हैं, एक बार रियो और मैंने कर ली है। हाँ काली नागी, देखो काली आके, कौन क्या है हम आगे को, फन पर नाचत कन्हैया। काली नाग की आपने अगर कृष्ण जी की वीडियो देखी होंगी तो बहुत महिमा है। ओ बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, और जोर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, कहते जाओ आने जाने वालों को, तुम मत देखो चलते जाओ अपने पाप के छालों को। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से जय माता दी, इस पीयूष चाचा की नई गाड़ी है तो इसलिए माता की चुनरी पहनाई जा रही है और बड़बाजू पहना रहे हैं ताकि माता का आशीर्वाद बना रहे। और ये खाने लग गई, इसका भी व्रत था अभी तक है ना। सुबह क्या खाया? पराठा। पराठा खाया? मुझे तो बोला कुछ नहीं खाया, मुझे तो लगा आपने व्रत कर रखा है अभी तक। झूठ बोला, झूठ बोला ना। ये देखो कुरकुरे खाने लग गई अभी। अब ये बरसात मौजूद तक खाते रहेगी, अभी हचेती से लेना फिर। और जो रुकेगा वो लेगा। जो रुकेगा वो लेगा।